हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं डॉक्टर सरोज कुमार स्वागत करते हैं यूट्यूब में। और हाजीपुर से चल के 40 किलोमीटर दूरी पे चेहरा कला ब्लॉक है और चौपेट हाट है। देख सकते हैं हरा हरा सब्जी है यहाँ पे। और इसी हाट के बगल में झोपड़ी, वहाँ पे उस झोपड़ी में सांप छिपा हुआ है, दिखलाते हैं। यहाँ के लोग घबराए हुए हैं। एक मिनट हेल्प कर दे तुमका। यही जगह था, यहीं पे सांप देखा गया था। लोग काफी घबराहट में है, निकालते हैं सांप कितना बड़ा है। ना ना वीडियो का फर्स्ट क्लिप। यहाँ तक आयल साइड आयल हट जाइयो पीछे से। का है रे डोमड़ी है, पीछे से हट जाइयो पीछे। हां डोमड़ी निकाल रहा है, डोमड़ी निकाल के आ रहा है। अभी ऐसे में फल के बाद दूध पहुँचाइए उसको, अच्छा से पहुँचाइए फल के पास। कोई दिक्कत नहीं, लाइए डर लगता है। अब बाहर नहीं गई आप? मैं अपने पर रहा हूँ। प्रकृति का खूबसूरत नजारा, इतना खूबसूरत देखने में लगता है, उतना मौत भी देता है खूबसूरत। ये स्नैक हाजीपुर से 40 किलोमीटर दूरी पे चेहरा कला ब्लॉक है, चौपेट हाट है। चौपेट हाट के पास एक छोटा सा मुरैया है, इसी में सांप देखा गया था। और सांप को जा रहा है, ये देख सकते हैं। दुधिया की सब जिम करे वाला वही में चाहिए। ना होता है बड़ा हाई फेमस है। स्पेकलर कुबरा है, गेहूं में सांप है, ये काफी जहरीला सांप है ये। और हाजीपुर से चल के 40 किलोमीटर दूर महुआ चेहरा कला ब्लॉक है और चौपेट हाट के पास ये छोटा सा झोपड़ी था, इसी में सांप देखा गया था। और ये सांप को निकाला गया है, थोड़ा सा काफ़ी रेस्कुअर सांप था, बहुत एनर्जेबल है। गर्मी का समय है, भोजन के तलाश में, और गर्मी से भी तबाह है, सिर्फ ठंडा पानी के लिए घर में प्रवेश करता है। आप लोग सतर्क रहिए, रात में टॉर्च के सहारे चलिए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए। अगर धोखा हो काट ले तो झाड़ फूक के नहीं पड़ के डॉक्टर के यहाँ शरण लीजिए, सरकारी वो भी अस्पताल, तभी आप सुरक्षित, नहीं तो जान भी गंवा सकते हैं। और सारा सांप जहरीला हमारा नहीं होता है, चार पांच सांप जहरीला होता है। पहला होता है कॉमन करैत, दूसरा है बैंडे करैत, तीसरा है स्पेकलर कोबरा ग्यूमन, चौथा में रसल वाइपर है, और पांचवा में किंग कोबरा जो 15 फीट लंबा होता है, बड़ा फन भी होता है उसका। और धामी सांप अगर जानते होंगे जो सुपर फास्ट है ट्रेन, अगर मैदान मिल जाए तो भागने में फास्ट है, भेगा दीजिए, मारिए उसको नहीं। और बिना जहर वाला है, और हमारा प्रिय मित्र भी है। कैसे अगर खेत में हमारा फसल जो होता है, चूहा की अपना संख्या बढ़ जाएगा कि आप अनाज नहीं ला पाइएगा, चूहा को खात्मा करने में हमारा
धामी सांप ही काफी है और ये भी खत्म करता है। सांप को बचाइए, सांप मारिए नहीं, इस तरह पर्यावरण को बचाते रहिए। मेरा नाम डॉक्टर श्रवण कुमार हुआ, हाजीपुर वैशाली बिहार से बिलोंग करता हूँ। और चलिए सांप को रखते हैं, पैक करते हैं, डब्बा लगा इसको कहाँ ले जाके छोड़िएगा। डेली दूध आता है चला जाता है, डेली आते रहते जाते रहता है। फिर से लीजिए, ठीक है चलो। डंडा वाला ही मिला था, सामने दिखाई दे रहा है, देखिए ना सामने तो चलिए यहाँ का ग्रामवासी के लिए धन्यवाद, जो इस सांप को बचाने के लिए हमें बुलाया है। हम लोग मदद करते ही हैं, आप लोग भी मदद करिए, जो हमें कॉल इन्फॉर्म करिए कम से कम इस तरह इसी तरह। और कितना किलो होगा? धन्यवाद। चलिए चलिए सांप को आजाद कर देते हैं बाकी का जिंदगी बिताने के लिए। धन्यवाद। Thank you.